माधविका आजा। ओए तू 36 नंबर वाली आंटी के घर क्यों नहीं आई? तुझे बुलाया नहीं था क्या? बुलाया तो था यार, लेकिन जब मैं उनके घर जा रही थी ना, तो मुझे मेरी ऊपर वाली आंटी ना खींच कर ले गई थी अपने घर पे, और इतनी देर तक बैठा के रखा उन्होंने मुझे, इतने में ना मैं 4 घर पे और चली जाती। गुस्सा आ रही थी मुझे आंटी पे, इतनी आराम आराम से कर रही थी सारा काम, और इतनी देर बैठा के क्या दिया मुझे ये सस्ता सा हैंकी, ऊपर से प्लेट भर के खाना और दे दिया। हाथ दर्द कर रहे हैं मेरे डोलते डोलते। ओए तेरी फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तू मुझे भी बता देती ना, मैं भी फ्रॉक पहन लेती, मेरे पास भी बहुत सुंदर फ्रॉक है, फिर हम दोनों ना ट्विनिंग करते। क्यूट है ना, मेरे मामा जी लेकर आए थे मेरे बर्थडे पे, वो दुबई रहते हैं ना, और मेरे लिए हैंड वॉच भी लेकर आए थे, और उसमें बहुत सारे कलर्स के बैंड भी हैं, मैं हर ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनती हूँ, आज पहनना भूल गई। और तुझे पता है सुर भी है ना, वो अपने साथ हर जगह कन्या के लिए अपने भाई को भी लेके जा रही है। अच्छा, मैं भी लेकर जाऊंगी अपने भाई को, लांगुर बन जाएगा और उसे भी पैसे मिल जाएंगे। ओए देख रितिका, इसने पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इसे नहीं बुलाया क्या किसी ने कन्या खाने? ओए रितिका, तू नहीं गई कहीं पे कन्या खाने? तेरी तबीयत खराब है क्या? मेरी मम्मी ने मना किया है, बोल रही थी कि तू अब बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? मैं तो नहीं, मैं भी जाऊंगी कन्या के लिए। अबे इसे क्या हो गया? आई बड़ी, बड़ी हो गई। सेम हमारी क्लास में तो है, बड़ी कैसे हो गई? हिली हुई है ये थोड़ी सी, छोड़ ना इसे। तू मुझे ये बता, वो जो पार्लर वाली आंटी है तू उनके घर जाएगी? हाँ, वो तो रात ही बोल के चली गई थी, पर उनके घर ना काला डोगी है, तू ना मेरे साथ ही चलियो, मुझे बहुत डर लगता है उससे। अरे टाइगर, वो तो बहुत क्यूट है, कुछ नहीं कहता वो। चल ठीक है, साथ में चलेंगे। मैं ना बस ये ना प्लेट अपने घर पे रख के आ जाऊँ, फिर मैं तेरे घर आ जाऊंगी, फिर साथ में चलेंगे। भाभी जी जरा मीत को भेज दो, बस एक कन्या चाहिए, बाकी सब रेडी है मेरा। चुन्नू के पापा को ना कढ़ाई पे खड़ा करके आई हूँ। अरे भाभी भेज तो दूं, पर वो है कहाँ घर पे, सुबह की निकली हुई है, नीलम भाभी के घर पे भेजा था, वैसे टाइम तो हो गया काफी, रुको मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ भाभी जल्दी पूछो, वरना उन्हें भी कोई उठा के लेके जाएगा जो मेरे घर पे बैठी हुई है कन्या है। भाभी खिला दिया आपने कन्या? अगर खिला दी हो तो भेज दो मीत को। अच्छा सामने वाले बुला कर ले गए, चलो ठीक है, जैसे ही उनका हो जाए तो मीत को छोड़ जाना आप घर। बस पूछो मत, इतनी मुश्किल से मिल रही है ना बच्चियां आज, ढूंढ के इकट्ठा करते हुए आज तो मेरे हाथ पैर फूल गए। अब 2-3 घंटे पहले से ही सारा प्रसाद तैयार रखा है, अब पूरी हो कन्या तो शुरू करो खिलाना। चलो आप टेंशन मत लो, जैसे ही आएगी आपके घर भेज दूंगी सीधे। भाभी आज से जरूर भेज देना, मैं जरा जाके देखूं उन्हें, कहीं कोई औरत तो नहीं उठा के ले गई। ओए कितने रुपए इकट्ठे हुए तेरे पास? मेरे पास 230। मेरे पास ना टोटल 250 रुपीज है। इसके पास मेरे से 20 रुपीज ज्यादा कैसे हो गए? सुन हम ना शाम को चौमिन खाने चलेंगे और ना गोलगप्पे भी। यार आंटी ने इतनी देर पहले बुला के बैठा लिया और अब पूजा करने लग रही हैं। इससे अच्छा मैं शिवानी दीदी के घर और मोहिनी आंटी के घर चली जाती, वो पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पैसे देती हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इन आंटी के घर। अरे यार मुझे तो लगता है कि आंटी ना नटराज की पेंसिल देंगी, वो तो टेबल पे रखी हुई है। शिवानी दीदी तो कुछ बढ़िया सा गिफ्ट भी लाई होंगी, कहीं लेट ना हो जाऊं उनके घर जाने में। एक काम करते हैं, यहाँ से ना चुपके से निकल जाते हैं, वैसे भी आंटी को क्या ही पता चलेगा, आरती तो कर रही है। चल चल आंटी का कुछ नहीं पता,
जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। आ जाओ बच्चों, ला बेटा हाथ आगे कर। माता रानी का कलावा है। आंटी छोटा सा टीका लगाना मुझे। टीके से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ला बेटा सर आगे कर। आंटी मुझको आप चुन्नी हाथ में ही बांध दो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। आजकल की लड़कियों का भी ना। आंटी जी प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर दो ना, हमें जल्दी जाना है। हाँ आंटी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, हमें और भी बहुत सारी जगह पे जाना है। हाँ बस गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही है, लाती हूँ। चलो बेटा करो शुरू। कितनी प्यारी लग रही है, फोटो खींच लो इनकी। व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दूं। आंटी मैंने खा लिया। कहाँ खा लिया बेटा, सारा तो रखा हुआ है। मैं हलवा और लेकर आती हूँ, देसी घी में बनाया बहुत टेस्टी। यार आंटी तो जबरदस्ती कर रही हैं, मेरा पेट फट जाएगा खाते खाते। नहीं नहीं आंटी बहुत नहीं चाहिए। बेटा खाली थाली थोड़ी ना ले जाते हैं घर, लाओ मैं भर के दूं। चलो खाना बन गया है, खाना खा लो सब। यार क्या है मम्मी, इतना तेज तेज बोलना जरूरी है क्या? खाना खा लो खाना खा लो, किसी का व्रत भी है यहाँ पर, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, परवाही नहीं है किसी को। अब फलों से पेट थोड़ी ना भरता है। धोने के लिए डालनी पड़ेगी, सब्जी गिरा दी बच्चों ने। ले आ सारी पतले, ले आ कूड़े वाला आता ही होगा। हिमांशी की मम्मी, हो गया आपका कन्या पूजन? हाँ हो ही गया ठीक ठाक, बाकी खाना तो बहुत ही सारा बच गया। ये कन्याएं सूंघ सूंघ के रख देती है, बस कहती है कि पेट भरा हुआ है। उन्हें भी क्या ही बोले, बेचारियां सुबह से खाई रही होती हैं हर घर में। बस इतने मुश्किल से भोग लगवाया कि एक चम्मच खीर खाके सिर्फ भोग तो लगा दो। इसलिए मैं तो 5-6 बजे खिला देती हूँ सुबह, खाली पेट होती हैं तो अच्छे से खा लेती हैं। हाँ भाभी आपने तो सुबह ही सारा काम निपटा लिया था, जब हम सो के भी नहीं उठे थे ना तभी आपकी कुकर की सीटियां बज रही थी। बाकी भैया भी तो लगे रहते हैं आपके साथ, काफी हेल्प करा देते हैं। एक मेरा आदमी है, अपना पानी का ग्लास तो उठा के रखता नहीं है, मेरी क्या ही हेल्प करेगा। हमारे तो ये एक पानी का ग्लास भी खुद उठा के इधर से उधर नहीं रखते। हाँ ऑफिस से छुट्टी ले ली थी इन्होंने भी, बाकी सब तो अच्छे से हो ही गया, बाकी कोई भूल चूक हो गई हो तो माता रानी माफ करे। बस अब बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पूरी सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से। आज तो गीता भी नहीं आएगी, उसने भी बैठाई होंगी ना कन्या, कल ही बोल के चली गई थी। हाँ भाभी ऐसे टाइम पे तो काम करने वाली हो के और ड्रामे रहते हैं, इसीलिए मैं तो डिस्पोजल में खिला देती हूँ, बर्तन गंदे करने की सिरदर्दी ही नहीं रहती। अपना आओ खाओ और फेंक दो। ये लो भैया ये भी ले जाओ और ये सारे भी ले जाओ। ना भाभी मुझे तो घर के बर्तनों में ही खिलाना अच्छा लगता है, मौका मिल जाता है माता रानी की सेवा करने का छोटी कंजकों के रूप में। आई बड़ी सेवा करने वाली, अरे आधे से ज्यादा काम तो इसका पति निपटा देता है। चलो करो आप, ले आ गया तेरा सामान। हाथ धोकर आ पहले।
सब कुछ ले आई ना मम्मी? हाँ हाँ देख ले, अगर कुछ रह जाएगा तो शाम को ले आऊंगी। चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पंजाबी। ओ मम्मी जी, जिन्ना मैनू लगदा है व्रत विच तो इन्ना सब कुछ खांदे नहीं है। तू ना चुप रह, ज्यादा बकवास मत कर, रख के देख कितना टफ होता है। एनू मुश्किल कहंदे हैं? मम्मी कुट्टू का आटा भूल गई आप लाना, शाम को पकौड़ी बनाते ना, दही पकौड़ी खाते। हाय मेरे दिमाग से निकल गई। ओ मम्मी जी ठीक आ, इस बारी मैं भी रखूंगा व्रत। खाने पीने का सामान देख के कह रहा है ना, तू ऐसे ही खा लेना, हवा टाइट हो जाएगी, व्रत रखूंगा। बिना व्रत देता मम्मी जी ने थोड़ा थोड़ा जाई देना है। मम्मी मुझको भी व्रत रखना है। बेटा छोटे बच्चे थोड़ी रखते हैं व्रत, बच्चों को तो माता रानी ऐसी आशीर्वाद दे देती है, मत्था टेक लेना तू बस। नहीं मम्मी, मैं भी बड़ी हो गई हूँ तो व्रत रखूंगी मैं भी। और मम्मी व्रत में लॉलीपॉप खा लेते हैं? नहीं बेटा। और जेली वाली टॉफी बूमर भी खा लेते हैं? बूमर तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, गंदी चीज होती है। और एक बात बता, अगर तू व्रत रखेगी तो कन्या खाने के लिए कौन जाएगा? ओ शिट यार, एनी इजी कैच छोड़ती कोड़ी ने। पंजाबी। आले टेस्ट करना है? क्या बात है, आज ही इतने प्यार से कैसे पूछ रहा है? ओ कोई चक्कर नहीं, आले खा ले। ओ नो, फास्ट है मेरा। अशावा। कुत्ते भाग गया ऐसे। ये देखो, कहने को इसका व्रत है और मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकाल रही है, नलायक लड़की। मम्मी यार समझा लो इसे, मेरा व्रत तुड़वाने की कोशिश कर रहा है। इसे तो मैं बताती हूँ, चप्पल कहाँ है मेरी? आप भी तो कम नहीं हो ना, मैंने व्रत क्या रख लिया, परसों राजमा चावल बना लिए, कल कढ़ी चावल बनाए थे और आज छोले चावल में सीटी लग रही है। अच्छा तो हम भूखे मर जाएं, हम ना खाएं कुछ तो खिचड़ी बनाओ, टिंडे बनाओ, वैसे तो बनाती रहती हो, 9 दिन के लिए तो रहम खा लो मुझ पे। जब नहीं रखे जाते तो क्यों रखती है, ऐसे नहीं लगते व्रत, पागल लड़की। अरे आ जाओ भाभी, बैठ जाओ, घर तो जाना ही है। भाभी कीर्तनों में जाके दिल खुश हो जाता है, खूब मन लगता है। बस अब गला दर्द कर रहा है बहुत, और करे भी क्यों ना, आगे की 2-4 औरतें भजन गाती हैं, बाकी की तो मुंह पे टेप लगा के बैठ जाती हैं। अरे भाभी बस तालियां बजाती बैठी रहती है। अरे भैया हम भी तो वर्ती हैं, हमारी भी तो एनर्जी खत्म हो रही है। और देखा नहीं मेरा नंबर आते आते तो चूड़िया ही खत्म हो गई। अब हम भी तो कीर्तन कराते हैं, हमारे ऐसे कोई औरत खाली हट जाती है ना? हम तो पहले से एक्स्ट्रा सामान ला के रखते हैं, ज्यादा भले ही पड़ जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए किसी को। अरे शाम को 207 नंबर वाली भी तो करवा रही है, चलोगी आप? देखूंगी भाभी, वैसे ना लगातार 2-3 घंटे बैठ के कमर से कट जाती है। चुन्नू का फोन। हाँ बेटा। अरे देख वही घर के बाहर तेरे पापा के जूतों में रखी हुई है चाबी, मिल गई? अच्छा चलो ठीक है। स्कूल से आ गए होंगे बच्चे? हाँ भाभी। और घर के लिए प्रसाद मांग रही थी, कहने लगी नहीं नहीं भाभी कम पड़ जाएगा, अब बताओ। और ना थैली दी प्रसाद रखने को। कोई बात नहीं भाभी, थोड़ा प्रसाद भी बहुत होता है, ये लो आप मुझसे ले जाओ। खाना वाना तो आप बना के आई होगी है?
ना ना भाभी, मेरे घर में तो सब वर्दी हैं। इसके पापा तो हर साल रखते हैं और मानसी का भी रखवा दिया मैंने इस बार। अब बचा चुन्नू, अब मैं उसके लिए अलग से क्या ही खाना बनाती, तो मैंने उसका भी रखवा दिया कि तू भी रख। अब बस घर जाके ना व्रत का ही खाना बनाना है भाभी। बस समा के चावल बनाऊंगी, आलू की सब्जी बना दूंगी और कुट्टू की पूड़ियाँ बना दूंगी। और तो ज़्यादा तो खाना खाएंगे नहीं हम, अब भारी खाना थोड़ी ना खा सकते हैं, व्रत जो है। अय हाय, 56 भोग तो बना के खा रही है, बचा क्या? बस नाम का ही व्रत रख रखा है। नहीं यार, स्कूल नहीं आऊंगी, फास्ट है ना मेरा, फालतू में कहीं चक्कर खा के गिर गई तो बस। हाँ तू चले जा, और एक काम करियो, क्लास में जो भी नोट करवाए ना मुझे अपनी कॉपी दीजियो, मैं घर में आराम से बैठ के कर लूंगी। ठीक है। वैसे क्या क्या खाती है तू फास्ट में? मैं वेज बिरयानी खा रही हूँ, इतना टेस्टी बनाती है ना मम्मी। हाय, ये क्या कर दिया मैंने, माता रानी मुझे पाप देंगी। ओह माय गॉड, क्या करूं, मम्मी को बताऊं? चल कोई बात नहीं, भूल चुक माफ होती है, गलती से ही तो खाया था, माफ कर देती है माता रानी बच्चों को। तो अभी व्रत कंटिन्यू करूं? कर ले, और थोड़ा ध्यान रखियो, जीप कंट्रोल में नहीं होती तेरी। अच्छा तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है। ओए कुत्ती, कितने कॉल्स किए मैंने तुझे सुबह, कुमकरण कहीं की? क्या ये, तूने मुझे कल बोला था ना हिमांशी सुबह सुबह वॉक पे चलेंगे, पार्क जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, यहाँ बैठ के ठूसे जा रही है। देख यार, सुबह सुबह की नींद से ना मुझे बहुत प्यार है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उठा जाता यार मुझसे सुबह। तो शाम को चल लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, अब वॉक और एक्सरसाइज करने की जरूरत ही क्या है, क्यों ही फालतू में इतनी मेहनत करनी? अच्छा क्यों, कोई जड़ी बूटी मिल गई है क्या जिससे तेरे ये टायर्स पंचर हो जाएंगे? नवरात्रि स्टार्ट हो रही है परसों से, बस आज और कल दबा के खाऊंगी, फिर उसके बाद पूरे 9 दिन तक व्रत रखूंगी बिना कुछ खाए। बस रख लिए तूने व्रत बिना कुछ खाए, भाई मेरे से तो नहीं रखे जाते, मैं तो जोड़े से रखूंगी, पहला और आखिरी, भूख बर्दाश्त नहीं है बस मेरे से। आजा ये ले, दोनों बैठ के देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 199 में चीजी वेज रोल, क्लब सैंडविच, तंदूरी पनीर बर्गर, कोक और चीजी नाचो। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा मुझे यार ये व्रत रखना कितना टफ होता है यार, बस 2 दिन और, उसके बाद दबा के खाऊंगी चिली, चौमिन, रसमलाई, पापड़ी, छोले भटूरे। ओए सुन, नवरात्रि खत्म होने के बाद ना तुरंत ही फूड वर्ल्ड चलते हैं। अबे क्या हो गया, सारी वैरायटीज खाऊंगी और दबा के, बहुत मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा अब। बेटा फास्ट के बाद ना कुछ नहीं खा पाते, मन ही नहीं करता खाने का, एक्सपीरियंस है मुझे। अरे मैं खा लूंगी ना, एक काम करियो तू चल लियो साथ में, मुझे खाते हुए देख लियो, ठीक है? पहले फास्ट तो पूरे कर ले, पाप लगेगा। मम्मी प्लेट दे दो। ले, प्लेट लेने के लिए वापस आई है? बेटा वो तो आंटी ही दे देती तेरी। मम्मी आंटी ने बोला है घर से प्लेट लेके आना है। हेलो बताओ कैसी औरतें हैं, बच्चों को घर वापस भेज देती हैं प्लेट लाने के लिए, इन्हें बर्तन ना साफ करने पड़ जाएं, फिर किस बात की सेवा लगेगी इनकी? रहने दे, मत जा, कोई बात नहीं, किट्टू की मम्मी बुलाने के लिए आई थी, उनके घर चले जा। हद कर रखी है औरतों ने भी। हाँ भैया, मुझ पे जरा टाइम नहीं है आज आने का, तो आप एक काम करना, मैं बेटे को भेज रही हूँ, सारा सामान दे देना अच्छे से। हाँ लिख के ही भेज रही हूँ। ठीक है,
लिख लिया तूने सारा सामान? और लिखना की है मम्मी जी, इत्थे छप गया है सब कुछ। अच्छा बताइए जरा क्या क्या बोला था। आहा! एक कड़ावा, एक कपूर दी डब्बी। एक कपूर? दो डब्बी कपूर लाने को बोला है? ओ हाँ जी मम्मी, दो डब्बे हैं। और बस देख लिया तेरा दिमाग मैंने, लिख ले चुपचाप। अगर उल्टा सीधा सामान लाया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। एक कड़ावा, दो कपूर दी डब्बी, एक नारियल भी सी। इस बार क्या दूं कन्याओं को? बॉटल, टिफिन, हेयर बैंड, सब कुछ तो दे दिया। ओ मम्मी जी पैसे दे देना, इन्ना सोचना की है छुट्टी। अरे पैसे तो देते ही है, कुछ गिफ्ट भी तो होना चाहिए, हर बार देती हूँ मैं। एक काम करूँगी, इस बार सुंदर सुंदर स्कूल बैग ले आऊँगी। ओ मम्मी जी स्कूल बैग तो बड़े महंगे पड़ने हैं। हाँ तो क्या हो गया, देने की नीयत होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए देने के लिए। फिर तो पैसे तो देने नहीं है तुसी। और हाँ अंकल से 500 का खुला भी करा लाना, चल जा। ओ कुड़िया दी तो नवरात्रि विच बल्ले बल्ले हो जाती है, काश मैं भी कुड़ी होता। तू गया नहीं अभी तक? ओ जा रहे हैं मम्मी जी। हे गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग सो 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 गुड। एंड वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, इन्जॉय भी की होगी। और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, अपना फेवरेट पार्ट, अपना फेवरेट सीन ज़रूर कमेंट में मुझे मेंशन करना, मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगी। और इस वारी वीडियो को इतने सारे लाइक्स दे रहे हैं और वीडियो को इतना ज़्यादा दबा के शेयर कर दो यार, सबके साथ शेयर कर दो। नवरात्रि चल रही है, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू। बस तालियां पीटती रहती है ऐसे करना थोड़ा सा लग गया इंटरेस्टिंग। हाँ और मानसी का भी रखवा दिया, मानसी का भी रखवा दिया। बच्चा चुन्नू इतना बोलो ना, एक बार में नहीं, एक बार में नहीं बच्चा चुन्नू यहाँ तक बोलो ऐसे ले लेना। चलो माइक लगा रखा है, देखो सामने देखो तेरा बेंटन। बचपन में लिरिक्स समझ में कहाँ आते थे? कभी भी नहीं। क्यों नहीं आते थे मैं ये समझती हूँ, स्पीड में गाते थे ना वो। हाँ भैया मुझ पे जरा टाइम नहीं है आज, बेटे को भेज रही हूँ मैं, बेटे को।